देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। सिटी बसों का संचालन राजधानी में शुरू, एक बस में बैठ सकेंगे 16 यात्री। राजधानी में आज से सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है। कई रूटों के लिए सिटी बस सेवाएं शुरू हो गई है। बसों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एक बस में केवल 16 यात्री बैठ सकते हैं। हर ट्रिप में बस को सैनिटाइज किया जाएगा। ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से तीसरी मौत, 64 वर्षीय महिला की मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। कोरोना से मौतों में भी इजाफा देखने को मिला है। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस से तीसरी मौत हो गई है। महिला की मौत रायपुर में हुई है, लेकिन दुर्ग जिले की निवासी है। इससे पहले राजधानी के बिरगांव के एक फैक्ट्री में मजदूर और बिलासपुर के मस्तूरी में 9 साल के बच्ची की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। कवर्धा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। पुणे से लौटने के बाद दिखा संक्रमण। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में जिले में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों संक्रमित मरीज क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थे। यह मामला कवर्धा का है, जहां बालक आश्रम क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला और एक वर्ष का बच्चा संक्रमित मिले हैं। वहीं एक संक्रमित पुरुष ग्राम केसरी में मिला है। तीनों मरीज महाराष्ट्र के पुणे से वापस कवर्धा लौटे थे। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल 10 एक्टिव केस हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश की जनता की संतुष्टि मापदंड पर देश में दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री का तमगा दिलाया है। उनसे आगे सिर्फ उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है। एक निजी कंपनी के सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के कामकाज से 56.74% जनता पूरी तरह तो 33.25% जनता कुछ हद तक संतुष्ट है। इस तरह 81.06% संतुष्टि स्तर के साथ भूपेश बघेल देश में दूसरे नंबर पर है। दादा ट्रेवल्स के संचालक के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला। बोगस बिल लगाकर पुलिस विभाग 26 लाख का चूना लगाने की कोशिश। राजधानी रायपुर से बोगस बिल लगाकर पुलिस विभाग को चूना लगाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग ने चित्रकूट उपचुनाव के लिए 7 बसें अधिग्रहण की थी। इसके बाद संचालक ने 7 बसों को बोगस बिल लगाकर पैसे निकालने की कोशिश की है। मामले की जानकारी होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी बस संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,776 लोग ठीक हुए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इसमें से 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि करीब 50% यानी 1,03,003 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,01,497 है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया जैश का आईईडी एक्सपर्ट फौजी भाई, पाकिस्तान के मुल्तान का था आतंकी। पुलवामा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से एक की पहचान अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई उर्फ इस्माइल के रूप में हुई है। वह जैश का आईईडी एक्सपर्ट था और पिछले दिनों पुलवामा में जिस कार्यक्रम की साजिश को नाकाम किया गया था वह इसी ने तैयार किया था। चक्रवात निसर्ग को लेकर मुंबई में आधी रात लगाई गई धारा 144। मुंबई पुलिस ने बुधवार को चक्रवात निसर्ग के खतरे को देखते हुए मध्य रात्रि से गुरुवार दोपहर तक पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी
और समुद्र तट, पार्कों और सैर सपाटे जैसी जगहों पर लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। बयान में कहा गया है कि चक्रवात के कारण 25 जाने वाली और 25 आने वाली फ्लाइट के बजाय बुधवार के लिए 8 आने और 11 जाने वाली उड़ानें ही चलेंगी। निसर्ग तूफान को लेकर बॉलीवुड के सितारे चिंतित। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा, साइक्लोन निसर्ग मेरी प्यारी होम सिटी मुंबई, जहां मेरे भाई और मेरे माँ को मिलाकर 20 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। मुंबई ने 1891 के बाद से इतना गंभीर चक्रवात अनुभव नहीं किया है और ऐसे समय में जब दुनिया इतनी हताश है, यह विशेष रूप से विनाशकारी हो सकता है। वहीं माधुरी दीक्षित ने पोस्ट कर लिखा, आज की सुबह कुछ अजीब सी शांत है, शायद ये तूफान के आने वाले पहले की शांति है। महामारी क्या काफी नहीं जो अब ये साइक्लोन भी रास्ते में है। ये मुंबई के लिए कठिन समय है, हम इससे बाहर निकलेंगे। इसी के साथ माधुरी ने पेड़ पौधों की एक फोटो भी शेयर की है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी साइक्लोन निसर्ग से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की है। अक्षय कुमार ने भी लोगों से घर में रहने की अपील की है, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। धोनी ने कड़कती बिजलियों के बीच बेटी जीवा को बाइक पर कराई सैर, पत्नी साक्षी ने शेयर किया वीडियो। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ रांची के घर में समय बिता रहे हैं। उनकी पत्नी साक्षी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें धोनी अपनी बेटी जीवा को फार्म हाउस में बाइक पर सैर कराते नजर आ रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अक्सर आपके संस्थान, घर, मकान, दुकान पे OTS होता है। OTS मतलब ओपन टू स्काई, ऐसी जगह हम खुला छोड़ देते हैं जिससे हमारा लेटरिन, बाथरूम या किचन को प्रकाश मिलता हो। तो यह इन OTS पे हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते। यह OTS कचरे, गंदगी, कबाड़ से भरा हुआ होता है। OTS का निर्माण हम करते हैं सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को उस स्थान पे प्रवेश कराने के लिए जो कि जहाँ कोई रोशनी नहीं है। तो आइए इन OTS को, इन खुले हुए स्थान पे हम पहले उसको साफ सुथरा करें, उस पे रंग रोगन करें या उसकी दीवार पे, पूरी दीवार पे टाइल्स लगा दें, या अगर टाइल्स लगा हुआ हो तो हम उसको हमेशा धोते रहें, साफ करते रहें, जिससे उस खुले हुए OTS से ज़्यादा प्रकाश आपके लेटरिन बाथरूम में या जहाँ प्रकाश जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश घर को देना शुरू कर दें।